स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेसिकली बोले तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट समझा था। तो बच्चों, वही कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी फॉलो करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर इजी होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, क्योंकि कोई भी बच्चों कैपिटल बहुत बार बार अपना बिजनेस में इन्वेस्ट और विड्रॉल नहीं करते हैं, इसलिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया है, रीड कर लीजिए। सो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस एज इक्वल पार्टनर। इलस्ट्रेशन फर्स्ट डाल लेते हैं इसका। ए एंड बी क्या बोल रहे हैं? इक्वल पार्टनर है, ठीक है। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स ऑन 1 जनवरी 2012। ऑन दैट डेट ए ब्रिंग ₹40,000। ए कितने रुपए लेके आया है? 40,000। ये कैपिटल होती है बिजनेस स्टार्टिंग में, जो भी पैसे लाता है वो कैपिटल होती है, आप लोग अवेयर हो इस चीज से। एंड बी कुड अरेंज ओनली ₹10,000। बी सिर्फ कितने रुपए लेके आ पाया? 10,000। तो बच्चों क्या ये इक्वल पार्टनर हुए? देखो फर्स्ट लाइन में बोला था ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस एज इक्वल पार्टनर, नहीं। तो फर्दर पढ़ते हैं, लेकिन बी ने कुछ प्रॉमिस किया है, देखते हैं क्या किया है। बी देन प्रॉमिस टू ब्रिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बी को अभी और लाने कितने हैं? सर 30,000 कह रहा है, वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लाएगा। तो एक इंस्टॉलमेंट में कितने आएंगे? 10,000। तीन में 30 हो जाएंगे, 10,000, 10,000 एंड 10,000। कैसे लाएगा बताया गया, बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल इनटू 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चों ये तो जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया है January 1 उस दिन कैपिटल आई होगी, और ये भी January 1 को कैपिटल। फिर बोल रहा है जो ये कैपिटल लेके आया है वो लाया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो बच्चों सबसे पहला क्वार्टर आएगा मार्च 31st। फिर नेक्स्ट आएगा बच्चों जून 30 एंड लास्ट आएगा September 30 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चों पहला क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च के आखिरी में आएगा, फिर अप्रैल मई जून, जून के लास्ट में, फिर जून 30, फिर जुलाई अगस्त सितंबर। क्लियर, ठीक है। अब कह रहा है हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए ए का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एक ही अमाउंट है। और मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था कभी भी एक का निकालना हो जैसे आपको आता है वैसे नहीं, इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल। रेट ऑफ परसेंटेज गिवन है, ए की कितनी कैपिटल थी? 40,000। रेट क्या है? 6%। कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आ गई, 2,400। ठीक है, ए का तो निकल गया। अब बी में तो मल्टीपल कैपिटल है, देखो ए का तो हमने इजीली, बी में क्या है? मल्टीपल कैपिटल है, 1, 2, 3, 4 बार। तो हम इसमें प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं और सुपर फास्ट मेथड भी। सुपर फास्ट मेथड भी लग जाएगा क्योंकि सेम अमाउंट है और सेम इंटरवल है, लेकिन हम दोनों मेथड से ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लगा रहा हूं प्रोडक्ट मेथड, आई एम यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, जिससे आपको रिवाइज भी हो जाए। प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको बोला था टेबल बनानी पड़ती है, डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। डेट सबसे पहली डेट क्या है बच्चों? January 1। फिर March 31st, ऐसी बच्चों सारी डेट लिख लीजिए। June 30 एंड September 30। अमाउंट कितनी है? 10,000। अगर बच्चों January 1 को आपने कैपिटल इन्वेस्ट किए तो December 31 होने तक आपको कितने मंथ होंगे? 12 मंथ। आप कब ले आए? January 1 को। December 31 तक आपको कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा इस वाले कैपिटल पे? 12 मंथ का। फिर कब लाए हैं आप? March 31 को। March 31 से December 31 तक होते हैं बच्चों 9 मंथ, फिर 6, फिर 3,
ठीक है, क्वार्टर है तो 3-3 का गैप होगा ही। प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था अमाउंट इंटू मंथ, अमाउंट इंटू मंथ 12 × 10 120,000, 90,000, 60,000 एंड 30,000। फिर मैंने बोला था प्रोडक्ट का हम कर देंगे सम, सम हो जा रहा है प्रोडक्ट का 3 लाख, क्या 3 लाख। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट में प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखवाया था, आई होप आपको लर्न होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया भी था कैसे फॉर्मूला क्रिएट हुआ था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आए हैं 3 लाख, रेट कितना है 6% एंड 1/12। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया हमारा 1500। तो सेम क्वेश्चन को, क्योंकि हमारा जो सुपर फास्ट मेथड बुलेट ट्रेन मेथड कहते हैं कि अगर सेम इंटरवल हो जनवरी से 3-3 महीने का गैप, देख लीजिए यहां पे आपको पता चल जाएगा सेम गैप है, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ सेम गैप है और सेम अमाउंट है, तो इसमें हमारा कौन सा मेथड भी लग सकता है, सुपर फास्ट मेथड भी लग सकता है। तो एक बार फॉलो करके देखते हैं सुपर फास्ट मेथड से भी हमारा आंसर 1500 आता है या नहीं आता है। तो बच्चे बस सुपर फास्ट मेथड का आपको फॉर्मूला ही लर्न करना था, टोटल ड्राइंग सॉरी इस बार टोटल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड, बस यही ध्यान रखना है, एवरेज मंथ अपॉन 12। टोटल कैपिटल कितनी विड्रॉल की है बच्चे, देखो 10, 20, 30, 40 कितनी इन्वेस्ट की है, सॉरी 40,000। रेट वही 6% है इंटू एवरेज मंथ, बच्चों एवरेज मंथ फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूं कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे फर्स्ट में कैपिटल कब इन्वेस्ट की है, जनवरी में, कितने मंथ बच रहे हैं 12, ध्यान से देखिएगा। जब मैंने सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट की थी तब मेरे पास कितने पीरियड का इंटरेस्ट मिला 12, और ऐसी अब जो लास्ट में मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके बाद कितने मंथ बचे हैं 3। तो मैंने बोला था फर्स्ट प्लस लास्ट 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया हमारा 7.5 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा 1500, क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके 1500। तो देखिए ये इतना है, इजी था, क्या किया है इंटरेस्ट टोटल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अमाउंट देखिए कितनी बार विड्रॉल किए हैं, एक बार 10,000 ये, एक बार 10,000 ये, एक बार ये, एक बार 40,000, टोटल कितना था 40, और मैंने बताया था 4 क्वार्टर है, 4 × 10 भी करते तो 40 था, रेट 6/100 था, एवरेज मंथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे है। इनको सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ गया 1500। सो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप रीड कर लीजिए। आई होप आपने रीड कर लिया, ठीक है स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सिल्वर एंड गोल्ड स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद कैपिटल ऑफ ₹75,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, ठीक। इन जो भी इनका कैपिटल होगा उस रेशियो में क्या करना है हमने, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। यू आर टू शो प्रॉपर अकाउंट टू एलोकेट द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फर्दर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट गिवन है 50,000, लेकिन बच्चों उससे पहले मुझे कैपिटल सही करनी है अपनी, क्योंकि सिल्वर ने भी बहुत बार कैपिटल इन्वेस्ट किए और विड्रॉल भी किया है, सेम गोल्ड ने भी बहुत बार इंट्रोड्यूस किए और विड्रॉल किए हैं। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पहले
इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को डाल देते हैं हम इलस्ट्रेशन टू, इलस्ट्रेशन टू। ध्यान से देखिएगा, टेबल बना लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा इस बार, तो डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट इंटरवल है, तो दोनों का ही बना लेते हैं एक बार टेबल, सिल्वर एंड इस साइड में गोल्ड। ठीक, डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट, डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। ठीक है, टेबल बन गई। अब पहले सिल्वर का चेक करते हैं। सिल्वर ने जनवरी वन, सबसे पहले जनवरी वन को कितने रुपए इंट्रोड्यूस किए थे जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे? 75,000। कितनी अमाउंट थी? 75,000। फिर अप्रैल फर्स्ट को, अप्रैल फर्स्ट को कितने रुपए विड्रॉल कर लिए? 10,000। बच्चों जो विड्रॉल किए हैं उसे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, माइनस, क्लियर है। फिर नेक्स्ट जून 30 को 800 रुपीस वापस इंट्रोड्यूस किए, बिजनेस में इन्वेस्ट किए। अगस्त फर्स्ट को 10,000 रुपीस और लेके आया वो बिजनेस में। सितंबर 30 कितने रुपए विड्रॉल कर रहे हैं? 5,000। देखिए प्रोडक्ट मेथड है, इतने सारे इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करते तो आपका पूरा दिन निकल जाता, आप देखिए कितना जल्दी आएगा। फिर लास्ट है हमारा दिसंबर 1, कितने रुपए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? 7,000। अब जो फटाफट मंथ कर लिए, जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक सर 12 मंथ, कितना टाइम होता है? अप्रैल 1 से 9 मंथ, जून 30 से 6 मंथ, अगस्त 1 से 5, सितंबर से 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 में, दिसंबर से 1, दिसंबर 1 से प्रोडक्ट कर लीजिए 75,000 इंटू 12, दिस इज 9 लाख। हाउ मच? 9 लाख, 9 × 10,000 90,000, लेकिन ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि विड्रॉल किया है। 6 × 8 48,000, 50,000, 15,000, लेकिन ये 15,000 ब्रैकेट में लिखेंगे एंड दिस इज 7,000। प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो बच्चों ये 9 लाख आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 लाख आ जाएगा। सेम गोल्ड का भी करते हैं। गोल्ड ने जनवरी 1 को कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इंट्रोड्यूस किए थे स्टार्टिंग में कैपिटल के लिए? 30,000। हाउ मच? 30,000। सिमिलरली देखते हैं अप्रैल 1, अप्रैल 1 को 12,000 इंट्रोड्यूस किए हैं, कितने इंट्रोड्यूस किए हैं? 12,000। देखिए नीचे टेबल है उसमें गिवन है। जून 30, फिर नेक्स्ट जून 30, जून 30 को इन्वेस्ट किए हैं उनने 13,000, कितने इंट्रोड्यूस किए हैं? जून 30 अगस्त 1 डेट को इंट्रोड्यूस किए, फिर फर्दर 12,000। बच्चों सितंबर 30 को उसने कुछ नहीं किया है, देखिए आप लिख भी सकते हैं डैश कर दीजिएगा या नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि सितंबर 30 को ना ही इंट्रोड्यूस किए हैं ना ही विड्रॉल किए हैं। सेम दिसंबर 1 को विड्रॉल किए हैं 6,000 रुपीज। हाउ मच? 6,000। तो इसको मैं ब्रैकेट में कर ले रहा हूं। अब बच्चों बस मंथ कैलकुलेट करते हैं, जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक कितना टाइम है? 12 मंथ। सेम यहां पे भी 9 था तो यहां भी 9 होगा क्योंकि अप्रैल ही है। फिर 6 एक ही बार कैलकुलेट करना, 5 इसे तो डैश कर देंगे और लास्ट में 1। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 12 × 30 360,000, 12 9 × 12,000
आ गया हमारा 1,08,000। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आ जाएगा 78,000, 60,000 एंड 6,000। ये ब्रैकेट में क्योंकि माइनस का है। प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ रहा है बच्चों ₹6,00,000। कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस करके कितना आएगा, 6,00,000। तो बच्चों हमने फाइनल कैपिटल निकाल दी। अब तो बहुत ईजी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, और प्रोडक्ट मेथड का तो हमें फॉर्मूला पता है, तो कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला सबको पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो जो सबसे पहले सिल्वर का, किसका, सिल्वर का, सिल्वर का टोटल प्रोडक्ट कितना है, 9,00,000। क्वेश्चन में रेट गिवेन है, जी गिवेन है, कितना, 10% पर एनम। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। 12 को 90,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹7,500। कितना आ जाएगा, ₹7,500। सिमिलरली अब ऐसे ही गोल्ड का कैलकुलेट करते हैं। गोल्ड का टोटल प्रोडक्ट है 6,00,000, रेट गिवन है 10। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,000। क्या आ जाएगा आंसर, 5,000। तो स्टूडेंट देखिए प्रोडक्ट मेथड ने कितनी हेल्प की। इस बार सेम इंटरवल नहीं थे, देखिए अलग अलग गैप है, और सेम अमाउंट भी नहीं थी, तब उस केस में हमें प्रोडक्ट मेथड ही फॉलो करना है, और कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया। अब उसने बोला था क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमें गिवेन है 50,000, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे ये हमने कैलकुलेट किया। तो फटाफट फॉर्मेट बनाइए, सो स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट सबसे पहले हमें क्या ढूंढना, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 50,000, कितना गिवन है, 50,000। क्वेश्चन में कहा गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है हमने कैलकुलेट कर लिए, सॉरी सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर की कितनी कैलकुलेट, 7,500 एंड गोल्ड की 5,000, दोनों का सम हो गया 12,500। अब टोटलिंग कर देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो बच गया वो क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, 50,000 को में से 12,500 सेपरेट करेंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 37,500। ये किन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिल्वर कैपिटल अकाउंट एंड गोल्ड कैपिटल अकाउंट। अब जो सिल्वर और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये क्वेश्चन में दिया था, इन देयर कैपिटल प्रोपोर्शन। अब बच्चों कैपिटल क्या है, उनका रेशियो, रेशियो निकालना है, तो अब हम ये वाली अमाउंट लेंगे 3,00,000 और 6,00,000। ये 360 और 9,00,000 नहीं लेंगे, जो लास्ट में हमने कैलकुलेट की है प्रोडक्ट में उसको लेंगे। तो सिल्वर की एंड गोल्ड, सिल्वर के हैं बच्चों 9,00,000 एंड गोल्ड की है 6,00,000। कितना आया लास्ट में प्रोडक्ट, 30 से 30 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, 33 जा 9, 32 जा 6। तो इस 37,500 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2 में, तो आ जाएगा 22,500 एंड 15,000। तो बच्चों ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा क्वेश्चन। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल से ही रिलेटेड है, लेकिन इस बारे में व्हेन कैपिटल एट द एंड इज गिवन। क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में हमें कैपिटल एंड की गिवन होती है, लेकिन बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसका नहीं?
मैंने एक फॉर्मेट बनाया बैलेंस शीट। हमने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था। कौन सा स्टेटमेंट? फाइनेंशियल, जिसमें हम ओपनिंग कैपिटल लिखते थे सबसे ऊपर। ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए, कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख, उसमें ऐड करते थे एडिशनल कैपिटल। अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं, एडिशनल कैपिटल या न्यू कैपिटल कुछ भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी अमाउंट मान लीजिए 50,000, ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले लिखते थे, फिर उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते थे। कभी कभी बच्चों हम ड्राइंग करते थे, तो ड्राइंग कर देते थे उस टाइम पे सब्ट्रैक्ट। ड्राइंग को हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट। ड्राइंग हम मान के चल रहे 30,000 कितनी थी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैंने किसमें लिख दिया? ब्रैकेट में। फिर जो हमारा नेट प्रॉफिट या कभी कभी नेट लॉस भी, जो भी आता था नेट, वेदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट आता तो हम उसे ऐड कर देते थे और नेट लॉस आता था तो माइनस कर देते। मान लीजिए नेट प्रॉफिट आया हमारा 80,000, इस सब को टोटल करके हम बाहर लिखते थे। और जो हमारा इस एग्जांपल जो मैं आपको समझा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 2 लाख। क्या था, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल लिखी, एडिशनल कैपिटल या न्यू कैपिटल जो भी थी, ड्राइंग सेपरेट कर दी, नेट प्रॉफिट है तो प्लस कर देते थे और नेट लॉस होता था तो सेपरेट कर देते। तो जो ये अमाउंट आई है, ध्यान से देखिएगा, जो ये अमाउंट आई है 2 लाख रुपीज, अब क्वेश्चन में हमें यही गिवन रहेगी, व्हेन कैपिटल एंड द एंड, व्हेन कैपिटल एट द एंड इज गिवन। ये कैपिटल है एंड की, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है इस वाली कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में। लेकिन अब क्वेश्चन हमें क्या देगा? एट द एंड। तो देखते हैं फॉर्मूला कैसे बना, कैपिटल एट द एंड कैसे कैलकुलेट हुआ। हमने क्या किया, फॉलो करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल ऐड कर दी, सब स्टार्ट करते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली उसका फॉर्मूला बना रहे हैं, उसमें ऐड करा एडिशनल कैपिटल या न्यू कैपिटल कुछ भी लिख लीजिए, माइनस कर दिया ड्राइंग, अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे और नेट लॉस है तो माइनस करेंगे, जो भी होगा हम उसकी तरफ कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन में हम नेट प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, इक्वल्स टू हमारा आ गया क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, सेम यही गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो गया और हमने क्या फाइंड आउट करना है, ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों फॉर्मूला चेंज करते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल को उस साइड ले जाते हैं और क्लोजिंग कैपिटल को इस साइड ले जाते हैं। तो देखिए अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू उधर से पहले ही क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, न्यू कैपिटल को क्या करते थे प्लस। तो बच्चों अब माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। बच्चों ड्राइंग को क्या कर रहे थे, माइनस, तो अब ड्राइंग करनी पड़ेगी प्लस। नेट प्रॉफिट को कर रहे थे प्लस, तो अब करेंगे माइनस, और अगर नेट लॉस होता माइनस होता तो प्लस। तो बस बेसिकली ये करना है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, ओपनिंग जो चीज हम प्लस कर रहे थे उन्हें माइनस कर देना है और जो चीज माइनस कर रहे थे वो प्लस कर देना। देखो यहां ड्राइंग माइनस की है, अब ड्राइंग प्लस कर देनी है, अब ड्राइंग क्या कर देनी है, देखो ये प्लस कर दी, न्यू कैपिटल ऐड किया था एडिशनल कैपिटल, अब क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेट प्रॉफिट ऐड किया था, अब क्या कर दिया, माइनस। बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, जैसे जैसे क्लोजिंग कैपिटल निकलती है वैसी हम उसका रिवर्स करके क्या कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं, रीड कर लीजिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, देयर कैपिटल एट द एंड, देखिए ध्यान से देखिए ये लिखा है, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016-17 वर 6 लाख एंड 3 लाख। अब एट द एंड गिवेन है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द, आगे देखते हैं क्या है, ड्यूरिंग द ईयर
2016 एज ड्राइंग वर 80,000 एंड बीस ड्राइंग वर 40,000। तो बच्चों ड्राइंग पहले क्या करते थे माइनस, अब क्या करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए प्लस। वेरी गुड। विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोला जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दे दी थी। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज 80,000। जो नेट प्रॉफिट है, जो हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे वो कितना था 80,000। द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी कह रहा है क्रेडिट कर दिया है। बी हैड ब्राउड एडिशनल कैपिटल, बी एडिशनल कैपिटल भी लेके आया था 70,000 ऑन अक्टूबर 1st। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2016 एंड 17। क्या कैलकुलेट कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले ओपनिंग कैपिटल। सो इलस्ट्रेशन 3, बच्चों इस बार दो लोगों की एक साथ निकालनी है तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूं जिससे जल्दी हम कैलकुलेट कर लें। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। जो बच्चे मैंने ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला यहां लिखा है सेम मैं इसे फॉर्मेट में कर रहा हूं। दिस इज पर्टिकुलर, और ए के लिए एंड ये बी के लिए, दोनों का एक साथ कर लेंगे जिससे हमारा टाइम सेव होगा। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड। क्या लिखना पड़ता है, क्लोजिंग कैपिटल। और वो क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन थी 6 लाख एंड 3 लाख, ए की थी 6 लाख, बी की थी 3 लाख। फिर बच्चों उसके बाद ड्राइंग, उसके बाद क्या था ड्राइंग, देखिए ड्राइंग को हम बैलेंस शीट में क्या करते थे माइनस, अब क्या करेंगे अब ऐड करेंगे ड्राइंग को, क्योंकि अपोजिट करना, और यहां पे भी मैंने समझाया था ड्राइंग अब क्या करेंगे ऐड करेंगे। ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग 80,000 एंड 40,000, 80,000 एंड 40,000। प्रॉफिट बच्चों जो नेट प्रॉफिट था वो क्या होता था माइनस हो जाएगा, पहले होता था प्लस फिर माइनस, अब क्या करेंगे लेस। जो भी नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 80,000 डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ होगा उनके रेशियो में, रेशियो गिवन था 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:1 मीन 60 एंड 20। 60,000 मिला होगा ए को और 20,000 मिला होगा बी को। अगर आप 80,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यही अमाउंट आएगी नेट प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल, देखिए बी एडिशनल कैपिटल भी लेके आया था, एडिशनल कैपिटल या न्यू कैपिटल पहले प्लस करते थे अब क्या कर देंगे लेस। ए लाया नहीं है तो डैश, बी कितने लाए हैं 70,000, टोटल कर देते हैं और बच्चों ये निकल जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। कितनी क्या निकल जाएगी ओपनिंग कैपिटल, जो माइनस के हैं उनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं जिससे कैलकुलेशन करने में इजी हो गया। टोटल करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,20,000 ए का, एंड बी का आ जाएगा 2,50,000, 2,50,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना हमें आता ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, यही होता है अमाउंट। सबसे पहले ए का, ए की अमाउंट कितनी है ₹6,20,000 एंड रेट कितना है, क्वेश्चन में रेट गिवन था 12% पर एनम, कितना क्वेश्चन में गिवन था 12% पर एनम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,400। सेम बी का कैलकुलेट करते हैं, बी का टोटल अमाउंट है 2,50,000,
रेट 12/100 इसको सॉल्व करेंगे 30,000। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, बी एडिशनल कैपिटल भी लाया था, वो तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने उसे सेपरेट किया था। बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹70,000 ऑन October 1, 2016। बी देखिए एडिशनल कैपिटल भी लिया था, इंटरेस्ट तो इस पे भी देंगे, वहां सेपरेट किया था ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। लेकिन बट इस 70,000 में भी तो अलग से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब लाए हैं? October 1। October 1 से March 31 तक कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ। कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ। तो बी का फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी अमाउंट है 70,000, रेट सेम 12%, लेकिन 6 मंथ के लिए इसमें कैलकुलेट करेंगे। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। इसका आ जाएगा 4,200 और दोनों का सम करेंगे तो 34,200। तो बच्चों ये है बी का, ये निकला हमारा बी का इंटरेस्ट और ये निकला हमारा 74,400 ए का इंटरेस्ट। तो बच्चों क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आता है कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करने, कैपिटल कैलकुलेट करने को बोलेगा और हमें दी होगी क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल दी होगी? क्लोजिंग कैपिटल। हमने क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। बस ध्यान में रखना है जो चीज पहले प्लस करी होगी, कभी कभी सैलरी भी आ जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप है, सैलरी। बच्चों सैलरी पहले प्लस हुई होगी तो अब क्या होती? माइनस। तो जो चीज आपको लगेगा कि पहले मिली होगी पार्टनर्स को, प्लस हुआ होगा, अब वो क्या कर दोगे? माइनस। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं।